दिल्ली के लिए हर दिन हिमाचल से 1,000 सिलेंडर देने वाले निर्णय पर पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप पठानिया ने तंज कसा है। कुलदीप पठानिया ने हमीरपुर में कहा कि बीमारी के हालत में किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने प्रदेश की चिंता मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। पठानिया ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री केवल मात्र बाहबाही लूटने के लिए इस तरह के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कमजोरी की वजह से प्रदेश में कोरोना ज्यादा फैला है। कहीं मुसीबत हो और उसमें मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये करना सोचना चाहिए कि पहले अपने घर में जो समस्या परेशानी आई है या महामारी आई है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर जो हमारे सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के हर जगह कमी है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हैं चाहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, पहले उनकी आपूर्ति होनी चाहिए फिर दूसरी जगह देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री वाहवाही के लिए ये अपने लोगों की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आज की डेट में जो पिछले कोविड जो था 19 वो कंट्रोल में था और हिमाचल में इस तरह का ने उसका अटैक नहीं हुआ, इस बारी जो हिमाचल में जितनी तेजी से फैला तो ये सरकार की कमजोरी है, सरकार की नलायकी है, और सरकार जो अभी भी इसके ऊपर पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही है, ना उस तरह का एक्शन हो रहा है जिसके इस पर जल्दी जल्दी कंट्रोल किया जा सके। कुलदीप पठानिया ने कहा कि बाहरी प्रदेशों से हिमाचल आ रहे लोगों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाने वाले निर्णय अच्छा है, लेकिन बॉर्डर पर भी कोविड टेस्ट की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि कोविड से निपटने के लिए बॉर्डर पर पुख्ता प्रबंध आज से किए जाने चाहिए, ताकि बाद में प्रदेश में कोविड बीमारी से निजात पाई जा सके। अच्छी बात है, लेकिन जो आदमी 72 घंटे पहले अपना टेस्ट करवाएगा और वो बस के माध्यम से जब दिल्ली से चल के हिमाचल में आएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि उस बस में कोई दूसरा ऐसा मरीज ना हो, या हो सकता है कि वो हिमाचल का ना हो, पंजाब का ही हो, चंडीगढ़ का हो, या कहीं अंबाले वाला बैठा हो, तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि ये ठीक है रिपोर्ट, वो आके घर पर सबको परेशान करेगा। ये तो सरकार को बॉर्डरों पर ही ये चीज़ खोल देनी चाहिए, जैसे 2-3 स्टॉल लगा लेना चाहिए और जैसे ही कोई बस आती है उसका फटाफट करके 10-15 मिनट में जैसे ही हो सकता है उसको निकाल के उस बस को आगे भेज जाए, ये मेरा मानना है।